मैं बहुत छोटा हूँ आपसे उम्र में भी और ज्ञान में भी। मेरा सिर्फ जो सवाल है वो ये है कि जब कोई अत्याचार करता है तो वो कोई दलित और कोई और जाति का नहीं होता, वो सिर्फ एक इंसान होता है, और जिस पे होता है वो भी एक इंसान होता है। तो हम इस बात पे कब तक लड़ते रहेंगे कि दलितों पे आज अत्याचार हो रहे हैं, आज उनको हमने न्याय दिला दिया, कल को जब और लोग जो अपर कास्ट हैं अगर उन पे अत्याचार होंगे तो फिर हम फिर वही करते रहेंगे। कब हम ये कब होगा कि यार इस इंसान के साथ बुरा हो रहा है तो हम इंसान उसके खिलाफ और उसके साथ खड़े हों। मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, चाहे आप बहुत ज्ञानी हैं आप ये मत समझना, क्योंकि इस प्रोसेस से ही जो है लोगों को ज्ञान होता है। आप सवाल पूछ लिए इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप ज्ञानी हैं। सवाल पूछने के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तो आप अपने आप को कमतर मत समझिए। आपका जो सवाल है उस तो सवाल में इसका जवाब नहीं था। जब मैं आपकी जगह था तो मुझे लगता था कि मुझे नौकरी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, ये बार बार मुझे लगता था। बाद में मुझे पता चला कि नौकरी है तो जितने पब्लिक सेक्टर हैं उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, और प्राइवेट सेक्टर में तो रिजर्वेशन है ही नहीं, मतलब रिजर्वेशन की वजह से हमको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सोचना ही गलत है। रही बात कि दलित के ऊपर अत्याचार, तो एक बात आज एकदम दिमाग में स्पष्ट कर लीजिए, जो लोग पीड़ित हैं समाज में, जिनके ऊपर अत्याचार होता रहा है और हो रहा है, वो सब दलित हैं। अगर आपको भी आपके आर्थिक स्थिति के चलते एजुकेशन में फीस नहीं जुटा पा रहे हैं आप, या आप कहीं नौकरी के लिए जाते हैं और आप जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं उसकी वजह से आप बढ़िया अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं तो आपको इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाता है, तो आप भी उस दलित तबके में शामिल हैं बेशक आपकी जाति कुछ भी हो। तो दलित शब्द के जब आप इमेजिनेशन करते हैं तो इस बात को समझ लीजिए वो सारे लोग जो समाज में शोषित हैं वो दलित हैं। और इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं को भी उसके अंदर शामिल किया था, और जो पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उन्होंने तो कोई दलित पार्टी या दलित पैंथर नहीं बनाया था, उन्होंने पार्टी बनाई थी उसका नाम था लेबर पार्टी, मतलब समाज के अंदर जो छोटे किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो पिछड़ी अति पिछड़ी और जो दूसरी तरह की जातियां हैं वो सब मिलकर के दलित आइडेंटिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। दलित कोई जाति नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। अत्याचार करने वाला जो होता है ये भी आप समझ लीजिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो वो दलित तो नहीं ही है, वो दलित नहीं है, वो दमित नहीं है, बल्कि वो दूसरों को शोषण करने वाला है, ये बात समझना है। इस आइडेंटिटी को हमको इस तरीके से फॉर्मुलेट करना है, और अत्याचार जो इंसान करता है उसके पीछे मानसिकता काम करती है, और ये जो मानसिकता मैं आपको बोल रहा था कि रिजर्वेशन की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, ये मानसिकता कहीं ना कहीं उसी मानसिकता से जुड़ी होती है कि आपको रोटी इसलिए नहीं मिल रही है कि आपका रोटी मुसलमान खा गया है, मतलब अदराइजेशन की जो मानसिकता होती है, एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग कर देने की जो मानसिकता होती है, ये रूलिंग क्लास मानसिकता है, समाज को जो हजारों साल से रूल कर रहे होते हैं ये उसी की मानसिकता होती है, और इस मानसिकता के चलते ही हमारा पूरा का पूरा सोशल प्रैक्टिस जो है वो डिसाइड होता है। मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है, तो आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिला को 3,000 रुपया मिलता है, और कोई महिला खेत में काम करती है वो भी बमुश्किल पूरे महीने में 3,000 कमा पाती होगी, तो आप बताइए चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मेरी माँ की जाति कुछ भी हो, लेकिन हमारा सवाल और उसका सवाल, पेट का सवाल, रोजगार का सवाल एक है कि नहीं? हमको लगता है कि ये हमको बांटने के लिए बार बार इस तरीके से चीजों को पोर्ट्रे किया जाता है। मैं समझता हूं कि कोई किसी पे अत्याचार करे ही क्यों, और जो अत्याचार किया जाता है उसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उसमें आइडेंटिटी का एक रोल होता है। एक रोल इसलिए होता है कि मैंने प्रैक्टिस किया है और मैं जानता हूं इस पर, कोई भी जो नॉन यादव या नॉन पिछड़ा होता था लालू जी को लालू जी नहीं बोलता, लालू ललुआ ये बोलता था, लेकिन अटल जी का जो विरोधी भी है वो बोलता था अटल जी अटल जी। कहीं ना कहीं ये मानसिकता काम करती है। बार बार मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि आपने लालू जी का पैर क्यों छू लिया, आज हमने झल्ला करके एक आदमी को कहा कि अटल जी का छू लेते तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लालू जी का छू ले इसलिए बहुत दिक्कत है। हाँ, अपने पिताजी के भी विचार से हम सहमत नहीं होते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तो उनका पैर छूते हैं।
तो ये जो मानसिकता होती है खास आइडेंटिटी को लेकर के, उसको आपको काउंटर तो करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, सारा बिहारी चोर होता है क्या? तो कहीं जब चोरी होती है, बिहारी बिहारी इस तरीके से क्यों किया जाता है? आइडेंटिटी मैटर फॉर अस, और दलित एक आइडेंटिटी है। आज ये जरूरत है कि वो जो आइडेंटिटी जाति के जन्म के आधार पे है, उस आइडेंटिटी के अंदर इकोनॉमी के सवाल को भी शामिल करना चाहिए। और ये मेरा मानना है, इसीलिए मैं लाल झंडे और नीले झंडे की यूनिटी की बात करता हूँ, इसीलिए मैं जय भीम और लाल सलाम के नारे को एक साथ लगाने की बात करता हूँ। क्योंकि मेरी जाति कुछ भी हो, मेरा जन्म किसी भी जाति में हुआ हो, मेरा सवाल रोहित बेमुला का सवाल है, इसीलिए हम लोगों को एक साथ मिलकर के लड़ने की जरूरत है।